नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कांग्रेस की एक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भारत में हिंदुओं की आबादी में आ रही कमी के बारे में एक ट्वीट किया। दरअसल कांग्रेस के हवाले से एक समाचार रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अरुणाचल प्रदेश को हिंदू बहुल राज्य में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने समाचार की क्लिपिंग को ट्विटर पर पोस्ट कर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि हिंदू आबादी भारत में कम हो रही है क्योंकि हिंदू कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते, वहीं अल्पसंख्यकों की जनसंख्या आसपास के देशों के मुकाबले बढ़ रही है। रिजिजू ने कांग्रेस पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस को इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धार्मिक समूहों को स्वतंत्रता है और वे शांति के साथ यहाँ रहते हैं। किरण रिजिजू ने एक और ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रही है, अरुणाचल प्रदेश के लोग एक दूसरे के साथ शांति से रह रहे हैं। वहीं किरण रिजिजू के ट्वीट पर पलटवार करते हुए AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे भारत के मंत्री हैं, उन्हें अपने पद की शपथ याद रखनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।